हेलो गाइस, मेरा नाम है विवेक। आज के वीडियो में हम देखेंगे मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट चैप्टर के बारे में। इस वीडियो में हम मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मैट्रिसेस का डिफिनेशन देखते हैं। इन मैट्रिसेस एम क्रॉस एन नंबर आर अरेंज्ड इन रेक्टेंगुलर एरे एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल लेटर। द कॉमनली यूज ब्रैकेट फॉर मैट्रिसेस आर कैपिटल ब्रैकेट हो गया, स्मॉल ब्रैकेट हो गया, या दो स्ट्रेट लाइन हो गया। तो क्या है हमारा मैट्रिसेस? मैट्रिसेस एक रेक्टेंगुलर एरे है जो रो और कॉलम के फॉर्म में अरेंज होता है। तो हम और ये हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट होता है। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, हमारा ए कोई मैट्रिसेस है और इसका एलिमेंट है 2, 4, 5, 3, 8, 9। तो इसमें हमारा क्या हो गया, ये एक और दो, हमारा ये दो रो हो गया और इधर से एक दो तीन ये हमारा कॉलम हो गया। तो ये हमारा हो गया 2×3 के फॉर्म में। तो मैट्रिसेस डिफिनेशन से क्या हो गया, एक रेक्टेंगुलर एरे है जो रोज और कॉलम के फॉर्म में अरेंज्ड है। अब हम यहाँ डिफरेंस बिटवीन मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट देखते हैं। तो हमारा पहला डिफरेंस है, मैट्रिसेस इज अरेंजमेंट बट डिटर्मिनेंट इज़ अ वैल्यू। तो जैसे मैट्रिसेस क्या हो गया कि जैसे ये है 2, 4, 3, 6, ये एक अरेंजमेंट है जो 2×2 के फॉर्म में है, और डिटर्मिनेंट अगर रहता ऐसे तो 2, 4, 3, 6 2×2 फॉर्म में, तो डिटर्मिनेंट एक वैल्यू है। मतलब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 6, 12 - 12 = 0, तो ये एक वैल्यू आ गया हमारा। तो ये हो गया हमारा डिटर्मिनेंट। उसी तरह सेकंड डिफरेंस है, मैट्रिसेस इज रेक्टेंगुलर बट डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर। मतलब अगर मैट्रिसेस का है तो मैट्रिसेस एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में रहता है, लेकिन डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर फॉर्म में ही रहता है। मतलब 2, 3, 6, 5, 4, 1, तो ये हमारा 3×2 के फॉर्म में हो गया। तो ये एक रेक्टेंगल है, पर अगर यही डिटर्मिनेंट रहता तो ये हमेशा या तो 2×2 के फॉर्म में रहेगा या 3×3 के फॉर्म में रहेगा। तो 2, 4, 5, 6 ये 2×2 के फॉर्म में, ये एक स्क्वायर फॉर्म में है। यहाँ 2×2 रहेगा या 3×3 रहेगा या 4×4 रहेगा, पर मैट्रिसेस रेक्टेंगुलर के फॉर्म में रहेगा। और हमें ये पता है कि एक स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल हो सकता है, मतलब हम स्क्वायर को रेक्टेंगल बोल सकते हैं। तो सारा डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स के फॉर्म में रह सकता है। अब हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देखेंगे। तो सबसे पहले हम रो मैट्रिक्स देखते हैं। तो रो मैट्रिक्स क्या है, हैविंग सिंगल रो, मतलब मैट्रिसेस जिसमें बस एक रो हो और कॉलम कितना भी हो सकता है, जैसे 1, 2, 5, 9, 8, 7, तो इसमें हमारा कितना रो है, बस एक रो है और कॉलम कितना है, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसमें हमारा 6 कॉलम है और रो एक ही है, तो इसे हम 1×6 लिख देंगे। तो जिसमें एक रो हो उसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। उसी तरह कॉलम मैट्रिक्स हैविंग सिंगल कॉलम, मतलब जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, रो कितना भी हो सकता है, तो 1, 2, 4, 5, तो इसमें हमारा रो तो 1, 2, 3, 4 है लेकिन कॉलम एक ही है, तो इसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। अब हम नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स देखते हैं। ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल टू जीरो, मतलब जिसका सारा एलिमेंट जीरो के बराबर हो उसे हम कहेंगे नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। उसी तरह चौथा है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल, मतलब जिसमें ऐसे 2, 4, 5, 6, 3, 1, 9, 8, 7, तो इसमें क्या है, जितना हमारा नंबर ऑफ रोज है उतना ही हमारा नंबर ऑफ कॉलम भी है, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अगर यहाँ 2×2 के फॉर्म में रहता तो भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, या फिर 4×4 के फॉर्म में रहता तो भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। उसी तरह
पांचवा है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ ए आई जे इक्वल्स टू जीरो वेयर आई नॉट इज इक्वल टू जे। तो हम इसका एग्जांपल से देखते हैं। तो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, डी वन जीरो जीरो जीरो, डी टू जीरो जीरो जीरो, डी थ्री। तो इस डायगोनल मैट्रिक्स सबसे पहले तो उसका कंडीशन कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और फिर उसका सारा एलिमेंट मतलब डायगोनल को छोड़ के बाकी सारा एलिमेंट जिसका जीरो रहे उसे हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। और वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि वो डायगोनल का वैल्यू सारा सेम रहे, डायगोनल का वैल्यू अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन उसके अलावा जितना भी एलिमेंट है सारा जीरो होना ज़रूरी है, तब उसे हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या है, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल बिकम इक्वल, मतलब आई ए आई जे के हो जाए वेयर आई इक्वल्स टू जे। तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं, के जीरो 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 के जीरो 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 के। तो इसमें क्या है कि ये तो स्केलर मैट्रिक्स का भी कंडीशन वही है कि पहले तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, साथ साथ ये डायगोनल मैट्रिक्स भी होना चाहिए, मतलब कि डायगोनल के अलावा सारा एलिमेंट जीरो हो और लेकिन यहाँ पे सारा डायगोनल का वैल्यू भी इक्वल होना चाहिए, तब ये होगा हमारा एक स्केलर मैट्रिक्स। उसी तरह सातवां है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज दैट विच स्केलर मैट्रिक्स विथ ए आई जे इक्वल्स टू वन वेयर आई इक्वल्स टू जे। तो एक स्केलर मैट्रिक्स जिसका सारा डायगोनल इक्वल्स टू वन हो और उसके अलावा सारा एलिमेंट जीरो हो तो हमारा हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब कि सारा एलिमेंट जीरो हो और डायगोनल का वैल्यू इक्वल्स टू वन हो तो ये हमारा हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसी तरह नेक्स्ट है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स इज सेड टू बी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ आई ए आई जे इक्वल्स टू जीरो वेयर आई इज ग्रेटर देन जे। तो अगर कोई इस फॉर्म में है, मान लीजिए वन टू थ्री फोर जीरो सिक्स एट नाइन जीरो जीरो सेवन टू, तो ये हमारा कितना है, इसमें थ्री रो है एंड फोर कॉलम, तो थ्री इंटू फोर। तो अगर यहाँ पे डायगोनल के नीचे का एलिमेंट सारा जीरो हो और उसके ऊपर का पार्ट कुछ भी हो, मतलब नॉन जीरो हो, कुछ भी नहीं नॉन जीरो हो, तो वो हमारा हो जाएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और उसी तरह लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स इज सेड टू बी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ए आई जे इक्वल्स टू जीरो वेयर आई इज लेस देन जे। तो इसका एग्जांपल से समझते हैं, यहाँ वन टू थ्री फाइव सिक्स सेवन बाकी सारा एलिमेंट ऊपर का, तो यहाँ पे ये हमारा पहले तो डायगोनल हो गया और उसके बाद ऊपर का अगर सारा एलिमेंट जीरो हो और डायगोनल से नीचे सारा एलिमेंट नॉन जीरो हो तो ये हो गया हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। नेक्स्ट है हमारा कॉम्परेबल मैट्रिक्स। टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी कॉम्परेबल इफ देयर ऑर्डर इज सेम, मतलब कि दो मैट्रिसेस हैं जैसे टू मैट्रिसेस है हमारा ए एंड बी और दोनों का ऑर्डर सेम है, एम इन टू एन एम इन टू एन, मतलब थ्री मान लीजिए यहाँ पर इसका थ्री इंटू थ्री है और इसका भी थ्री इंटू थ्री है, तो दोनों का ऑर्डर सेम है तभी वो उसे हम कंपेरेबल मैट्रिक्स कह सकते हैं और दोनों मैट्रिक्स का कंपेयर कर सकते हैं। उसी तरह इक्वल मैट्रिक्स
टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ देयर दे आर कंपेरेबल एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इज सेम। मतलब दो मैट्रिसेस ए एंड बी है और उसका एलिमेंट, सारा एलिमेंट बी आई जे, दोनों सारा एलिमेंट भी इक्वल है तो उसे हम इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे। उसी तरह चौथा है हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस आर पॉसिबल इफ दे आर कंपेरेबल नॉट इन केस ऑफ डिटर्मिनेंट। मतलब दो मैट्रिसेस है ए एंड बी हमारा, तो ये इसका एडिशन कब होगा, अगर ए इक्वल्स टू ए आई जे, एम इन टू एन, बी है बी आई जे एम इन टू एन, तभी हम इसे एडिशन कर सकते हैं। तो इसका एडिशन क्या आएगा, यहाँ इधर लिख देते हैं, ए प्लस बी इक्वल्स टू ए आई जे प्लस बी आई जे एम इन टू एन। मतलब एडिशन, दो मैट्रिक्स का एडिशन करने के लिए भी ज़रूरी है कि वो एक कंपेरेबल मैट्रिसेस हो, मतलब कि दोनों ऑर्डर दोनों मैट्रिक्स का सेम होना चाहिए, तभी वो दोनों मैट्रिक्स ऐड हो सकता है। उसी तरह लास्ट है हमारा ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। फॉर अ मैट्रिक्स ए आई जे वेयर आई इक्वल्स टू जे आर कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिसेज एंड सम ऑफ डायगोनल इज कॉल्ड ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। जैसे कोई मैट्रिक्स है ए 2 4 3 5 7 9 8 2 1, तो ये 3×3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इसका डायगोनल क्या हो गया हमारा 2 7 1। तो यार ट्रेस ऑफ ए क्या हो जाएगा हमारा, सम ऑफ डायगोनल मतलब 2 + 7 + 1 = 10। तो ये हो गया हमारा ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू 10। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस देखते हैं। तो पहला प्रॉपर्टीज है ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, कॉम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी, ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। उसी तरह है सेकंड प्रॉपर्टी ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। और तीसरा है एडिटिव आइडेंटिटीज, मतलब ए प्लस जीरो इक्वल्स टू ए, मतलब किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम जीरो ऐड करेंगे तो वो सेम आएगा। तो ऐसे एक प्रॉपर्टी बनता है नल मैट्रिक्स इज एडिटिव मैट्रिक्स ऑफ एनी मैट्रिक्स। मतलब ये हम नल मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स में ऐड करेंगे तो सेम वही मैट्रिक्स आएगा। चौथा प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स, मीन्स ए प्लस माइनस ए इक्वल्स टू जीरो, मीन्स एनी मैट्रिसेस ए एंड माइनस ए इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। मतलब कि कोई भी अगर जैसे यहाँ 2 है, 2 प्लस माइनस 2 करेंगे तो 0 ही आएगा। उसी तरह कि दो मैट्रिसेस है और उसका इनवर्स से अगर हम उसे ऐड करें तो हमेशा रिजल्ट 0 होगा। तो ये हो गया हमारा मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस। आज के मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट चैप्टर पार्ट 2 वीडियो में हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज, और फिर ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिसेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस देखेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी इज पॉसिबल इफ नंबर ऑफ कॉलम इन ए आर इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन बी, देन ए बी इज ऑप्टेन यूजिंग रो कॉलम मल्टीप्लीकेशन। मतलब कि दो मैट्रिसेस ए और बी दिया हुआ है तो उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन तभी पॉसिबल है अगर नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिसेस ए, मतलब ए मैट्रिसेस में का नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो ऑफ मैट्रिसेस बी के बराबर रहेगा तभी दोनों का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर कोई मैट्रिसेस है, मैट्रिसेस ए है यहाँ पे हमारा A11, A12, A13 और यहाँ पे A21, A22, A23, तो ये हो गया हमारा 2×3 का मैट्रिसेस। और मैट्रिसेस बी है हमारा B11, B12, B21, B22, B31, B32, तो ये हो गया हमारा 3×2 का मैट्रिसेस।
प्रॉपर्टीज़ क्या था कि नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिसेस ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ रो इन मैट्रिसेस बी। तो यहाँ पर ये दोनों, इसमें तीन है, इसमें भी तीन है, तो दोनों तीन तो इक्वल है, तो ये दोनों का मैट्रिसेस पॉसिबल है, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, ए बी इक्वल्स टू, तो इसके पहले रो से इसके सारे कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए वन वन बी वन वन प्लस ए वन टू बी टू वन प्लस ए वन थ्री बी थ्री वन। ये हो गया हमारा फर्स्ट एलिमेंट। अब सेकेंड एलिमेंट का, इसका फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम से, तो इसका क्या हो जाएगा, ए वन वन बी वन टू प्लस ए वन टू बी टू टू प्लस ए वन थ्री बी थ्री टू। ये हो गया क्लोज, क्योंकि अब इसके बाद और यहाँ पे कोई कॉलम नहीं है। अब सेकेंड रो के लिए, इसका सेकेंड रो से इसका फर्स्ट कॉलम, तो ए टू वन बी वन वन प्लस ए टू टू बी टू वन प्लस ए टू थ्री बी थ्री वन। और फिर उसी तरह फोर्थ एलिमेंट के लिए ए टू वन बी वन टू प्लस ए टू टू बी टू टू प्लस ए टू थ्री बी थ्री टू। तो ये हो गया हमारा टू इंटू टू का मैट्रिसेस। तो यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान देने वाला है कि जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम थ्री था और यहाँ पे नंबर ऑफ रोज थ्री था, और दोनों इक्वल हुआ तभी मल्टीप्लिकेशन हुआ, तो और जो मल्टीप्लिकेशन निकल के आता है तो वो होता है हमारा इसका नंबर ऑफ रोज और इसका नंबर ऑफ कॉलम, तो वो जो रहता है वो हमारा फाइनल यहाँ पर आता है। तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। अगर कोई स्केलर दिया हुआ है के और उसको हम मल्टीप्लाई करना है हमको कोई मैट्रिक्स ए में, तो इसके लिए ये के को ए मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जैसे फिर हो जाएगा के ए इक्वल्स टू, इसका सारा एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आई जे इंटू एम इंटू एन। मतलब कि जैसे अगर हम यहाँ इस मैट्रिसेस में कैसे मल्टीप्लाई करते, तो ये सारा जितना अंदर इसके एलिमेंट है सब में हमको कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ता, लेकिन ये चीज़ डिटर्मिनेंट में एप्लीकेबल नहीं होता है। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो पहला प्रॉपर्टी है ए बी नॉट इक्वल्स टू बी ए, मतलब कि दो मैट्रिसेस दिया हुआ ए और बी, तो अगर दोनों का मल्टीप्लिकेशन पहले हम ए और बी का करते हैं, ए बी और बी और ए का करते हैं, ये तो दोनों इक्वल नहीं होगा। जैसे हम लोग इन जनरल करते हैं टू इंटू टू, टू इंटू थ्री तो सिक्स हो गया, थ्री इंटू टू भी करते हैं तो सिक्स हो गया, लेकिन यहाँ पे मैट्रिसेस में वो अप्लीकेबल नहीं होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी है ए बी इंटू सी इक्वल्स टू ए इंटू बी सी, तो ये यहाँ पर होगा पहले अगर आप ए और बी को मल्टीप्लाई करें फिर उसको सी से करें, या फिर पहले आप बी और सी को करें उसके बाद फिर उसे ए को बी और सी से करें, तब वो अप्लीकेबल होगा। उसी तरह थर्ड प्रॉपर्टी है ए इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी, तो आप या तो बी प्लस सी को ऐड कर लें और फिर उसको ए से मल्टीप्लाई करें, या फिर ए बी को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें इस ए सी के मल्टीप्लीकेशन से। उसी तरह चौथा प्रॉपर्टीज़ है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, तो यह है फॉर एनी मैट्रिसेस आई इज कॉल्ड एज आइडेंटिटी मैट्रिसेस, मतलब ए आई, ए और आई का मल्टीप्लीकेशन हमेशा ए होगा। जैसे कोई मैट्रिसेस ए है हमारा टू फोर थ्री वन, और अगर हम इसको किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमेशा ए सेम वही ए ही आएगा। जैसे इसको हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, टू इंटू वन टू प्लस फोर इंटू जीरो जीरो, फिर टू इंटू जीरो तो जीरो प्लस फोर, यहाँ पर थ्री प्लस जीरो, और यहाँ पर जीरो प्लस वन, तो ये हमारा टू फोर थ्री वन, ये हमारा सेम आ गया ए के बराबर ही। उसी तरह है मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स
फॉर एनी मैट्रिसेस बी इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स इफ ए बी इक्वल्स टू आई। अगर कोई मैट्रिसेस ए दिया हुआ है और एक और मैट्रिसेस दिया हुआ है बी, अगर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आई के बराबर आता है तो मैट्रिसेस बी मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा मैट्रिसेस ए के। फिर लास्ट प्रॉपर्टी है इफ ए बी इक्वल्स टू जीरो, मतलब ए बी इक्वल्स टू नल मैट्रिसेस, देन आइदर ए इक्वल्स टू जीरो और बी इक्वल्स टू जीरो और बोथ ए एंड बी आर सिंगुलर मैट्रिसेस, मतलब दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन जीरो आ रहा है तो या तो ए मैट्रिसेस का टोटल एलिमेंट जीरो होगा या फिर बी मैट्रिसेस का एलिमेंट टोटल जीरो होगा या फिर वो दोनों मैट्रिसेस सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, मतलब दोनों का ऑल एलिमेंट जीरो होगा। अब हम देखते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिसेस। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिसेस आर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग इन इट्स रॉ इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रो। मतलब जैसे कोई मैट्रिसेस हमारा ए दिया हुआ है, मान लीजिए 2, 3, 1, 5, 4, 9, 7, 8, 2 और बोला जाए कि इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, यहाँ पर क्या बोला, इंटरचेंजिंग इन इट्स रो इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रो। तो ये जो जितना रो है इसको हम कॉलम में चेंज कर देंगे और ये कॉलम को रो में, तो इसका क्या हो जाएगा 2, 3, 1 फिर 5, 4, 9 फिर 7, 8, 2 और ये 3 × 3 कहीं फॉर्म में। तो यहाँ से ये हो गया हमारा ए का ट्रांसपोज। तो इसका कुछ प्रॉपर्टीज है वो देख लेते हैं। तो पहला है ट्रांसपोज ऑफ ए का होल ट्रांसपोज, मतलब ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो वो ए होगा। सेकंड है ए प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज, मतलब ए प्लस बी का ट्रांसपोज रहेगा तो ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज सेम होगा, या फिर ए माइनस बी का ट्रांसपोज रहेगा तो ए ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज सेम होगा। फिर है कोई स्केलर के है तो के ए का ट्रांसपोज, तो के को हम या तो बाहर कॉमन ले लेंगे और ए का ट्रांसपोज करके मल्टीप्लाई करेंगे या फिर के ए का पहले मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज निकालेंगे, बात एक ही आएगा। फिर चौथा प्रॉपर्टी, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। जैसे ए और बी दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन है और उसका ट्रांसपोज है, तो अगर हम उसको पहले इंडिविजुअल ट्रांसपोज लेंगे तो बी पहले आ जाएगा और फिर ए का ट्रांसपोज बाद में रहेगा, मतलब ए बी का होल ट्रांसपोज है तो पहले यहाँ होगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। उसी तरह यहाँ पर ए बी सी डी फोर मैट्रिसेस का ट्रांसपोज है तो यहाँ हो जाएगा डी ट्रांसपोज इंटू सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये दोनों प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसे ध्यान से आप लोग देख लीजिए। अब हम देखते हैं सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए आई जे इक्वल्स टू ए जे। फॉर अ सिमेट्रिक मैट्रिसेस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए, मतलब कि अगर कोई मैट्रिसेस ए हमारा दिया हुआ है 2, 3, 3, 2 तो अगर इसका ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज क्या होगा 2, 3, 3, 2 सेम ही आ जाएगा, तो यहाँ पर ए इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज है। तो ये हमारा हो गया सिमेट्रिक मैट्रिसेस। और उसी तरह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस है कि अगर कोई मैट्रिसेस ए है तो इसका ट्रांसपोज निगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए के बराबर आता है तो वो हो जाएगा हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। आज के मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट चैप्टर पार्ट 3 वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन रिलेटेड टू मैट्रिसेस। हमने पिछले दो पार्ट में जितना भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना सीखते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं।
तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ ए इज अ मैट्रिसेस हैविंग 20 एलिमेंट्स देन फाइंड इट्स पॉसिबल ऑर्डर पेयर आर। तो मतलब कि कोई मैट्रिसेस ए है, उसमें 20 एलिमेंट है, तो उसका पॉसिबल ऑर्डर पेयर, मतलब जैसे 2 × 2 होता था, 3 × 3 होता था, या 2 × 3 होता था, तो इसका पॉसिबल ऑर्डर पेयर क्या होगा? या तो ये 1 × 20 का एक ऑर्डर पेयर आएगा, या फिर 2 × 10, या 5 × 4, या फिर 4 × 5, या फिर 10 × 2, या फिर 20 × 1। ये हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारा टोटल 6 ऑर्डर पेयर आएगा अगर किसी मैट्रिसेस में 20 एलिमेंट है तो। तो अब क्वेश्चन सेकंड देखते हैं, इफ़ 2x and 3, और फिर एक और मैट्रिसेस है 1, 2, -3, 0, और एक और मैट्रिसेस है एक्स और 3 इक्वल्स टू 0 है, तीनों का मल्टीप्लिकेशन। तो फाइंड एक्स, तो हम इसमें सबसे पहले ये मैट्रिसेस और इसका मल्टीप्लिकेशन लेते हैं, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, 2x into 1 - 9, और फिर इसका क्या हो जाएगा, 2 × 4x और 3 × 0। तो यहाँ पे क्या है, ये है 1 × 2 मैट्रिसेस और ये है 2 × 2 मैट्रिसेस, तो इसका मल्टीप्लिकेशन होके बस ये आएगा, और फिर ये हमारा यहाँ बचा एक्स और 3, तो ये बराबर 0। तो हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2x - 9 × x प्लस 4x × 3। तो ये तो बस यही आएगा, क्योंकि ये है 1 × 2 और ये है 2 × 1, तो इसका 1 × 1 मैट्रिक्स जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2x² - 9x प्लस 4 × 3 = 12x² 12x इक्वल्स टू 0। तो इसका क्या आ जाएगा, 2x + 3x इक्वल्स टू 0। तो x कॉमन निकाल लेते हैं, तो 2x + 3 इक्वल्स टू 0, तो x बराबर 1 0 आ जाएगा, और एक आ जाएगा हमारा -3/2। ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, इफ़ ए मैट्रिसेस है हमारा और मैट्रिसेस बी है, तो हमें फाइंड करना है ए ट्रांसपोज इनटू बी ट्रांसपोज एंड ए बी का ट्रांसपोज। तो ये हमारा क्या है, ये है हमारा 2 × 3 मैट्रिसेस और ये है 3 × 2 मैट्रिसेस। तो यहाँ तो नंबर ऑफ कॉलम 3 है और यहाँ नंबर ऑफ रोज 3 है, तो ये तो फिक्स है कि दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा। तो सॉल्यूशन का, तो पहले हम ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज निकालते हैं, तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा हमारा, 1 - 4 - 2 - 3 - 2 2, क्योंकि 2 है, और फिर ये हो जाएगा हमारा 3 and 5। तो ये हो गया हमारा अब 3 × 2 के फॉर्म में, और बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा हमारा, 1 - 1 2 3 0 4, ये हो गया हमारा 2 × 3 के फॉर्म में। तो अब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, तो ये क्या हो जाएगा, पहला 1 - 12 हो जाएगा यहाँ से 1, और -4 × -3 करेंगे, तो हम इसका मल्टीप्लिकेशन जल्दी जल्दी कर देते हैं, आप लोग खुद से आराम से कर लीजिएगा, -1 + 0 2 - 16, और फिर -2 + 6 2 + 0, फिर ये हो जाएगा -4 + 8, और फिर थर्ड में हो जाएगा, थर्ड रो में 3 + 15 - 3 + 0, और यहाँ पे हो जाएगा 6 + 20, 3 × 3 मैट्रिसेस। तो ये हमारा फाइनल क्या आएगा, -11 - 1 - 14 - नहीं नहीं प्लस 4 2 4
18 माइनस 3 26, 3 इंटू 3 ये हो गया हमारा ए बी, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अब हम पहले ए बी निकाल लेते हैं, फिर उसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे तो उसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 1 प्लस 2 प्लस 6 3 प्लस 0 प्लस 12 और फिर हो जाएगा माइनस 4 2 प्लस 10 और फिर हो जाएगा माइनस 12 प्लस 0 प्लस 20। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 9 15 4 8। तो अब इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, हमारा 9 4 15 और 8 इंटू 2 फॉर्म में। तो ये हो गया हमारा दोनों आंसर, एक ये और एक ये। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिसेस देन प्रूव डैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिसेस एंड सेकेंड है ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो हम सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं, क्या बोल रहा है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिसेस, मतलब ए प्लस ए का होल ट्रांसपोज हमारा आना चाहिए ए प्लस ए ट्रांसपोज के बराबर। तो हम एल एच एस ले लेते हैं, तो इसका हम इसे ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। तो क्या हो जाएगा हमारा ये ए ट्रांसपोज प्लस, इसका क्या प्रॉपर्टी देखे थे, ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज ए ही हो जाएगा। तो ये हमारा ए प्लस ए ट्रांसपोज बराबर आर एच एस आ गया। अब सेकेंड है हमारा ए माइनस ए का ट्रांसपोज आना चाहिए हमारा माइनस ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो इसका भी एल एच एस ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इससे भी हम पहले ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं, तो ए ट्रांसपोज माइनस ये हो जाएगा हमारा, फिर इसे ए ट्रांसपोज माइनस ए हो जाएगा। तो उसके बाद अब हम इसे वो माइनस बाहर निकालते हैं। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन में यहाँ माइनस था तो इसे हम कॉमन माइनस कॉमन लेके निकालते हैं बाहर, तो ये हो जाएगा ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ये हमारा आर एच एस के बराबर आ गया। जनरली सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मतलब सिंपल सिंपल ही मिलेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस थोड़ा प्रॉपर्टी का ध्यान रखना है। जैसे फिफ्थ क्वेश्चन है, इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस देन प्रूव डैट ए बी माइनस बी ए इज़ अ एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, मतलब कह रहा है कि मैट्रिसेस ए से और बी सिमेट्रिक है, तो मतलब ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए हो जाएगा और बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी हो जाएगा। तो प्रूफ करना है कि ए बी माइनस बी ए इज़ अ एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, मतलब हमको ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज प्रूफ करना है, आएगा ए बी माइनस बी ए। तो ये हमारा प्रूफ करना है, तो एल एच एस हम सबसे पहले ले लेते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, ए बी माइनस बी ए को हम अलग अलग पहले कर लेते हैं, ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। तो फिर अगर ये क्या था, दो ए बी का ट्रांसपोज रहेगा और इसे हम ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। अब हमारा बी ट्रांसपोज बराबर यहाँ दिया हुआ है बी, तो इसको बी लिख देंगे। उसी तरह ए ट्रांसपोज बराबर ए दिया हुआ है, माइनस यहाँ भी ए ट्रांसपोज बराबर ए है और बी ट्रांसपोज ऑफ बी है। तो ये हमारा आ गया। अब इसे हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस ए बी माइनस बी ए, ये हो गया हमारा आर एच एस। सारा क्वेश्चन बस प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, अगर आपको प्रॉपर्टीज ध्यान में है तो सारा क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ अल्फा बीटा गामा लेट ए मैट्रिसेस दिया हुआ है और बी मैट्रिसेस दिया हुआ है, इफ़ ट्रेस ऑफ ए इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ बी देन फाइंड
वन बाई अल्फा प्लस वन बाई बीटा प्लस वन बाई गामा। तो इसका देखते हैं सॉल्यूशन। तो क्या है ट्रेस ए इक्वल्स टू ट्रेस बी, तो सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। तो ट्रेस ऑफ ए क्या होगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल्स टू टू अल्फा प्लस टू बीटा प्लस टू गामा माइनस थ्री। तो ये हो गया हमारा ट्रेस ए इक्वल्स टू ट्रेस बी। तो हम इसे सबको इस साइड ले आते हैं। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस टू अल्फा माइनस टू बीटा माइनस टू गामा प्लस थ्री इक्वल्स टू जीरो। तो फिर यहाँ से हम सबको पहले कॉमन ले लेते हैं। तो एक अल्फ़ा स्क्वायर कॉमन लेते हैं माइनस टू अल्फा और इससे एक, सबको एक साथ लिखते हैं इस तरह से, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस टू अल्फा प्लस वन प्लस बीटा स्क्वायर माइनस टू बीटा प्लस वन प्लस गामा स्क्वायर माइनस टू गामा प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। हम यहाँ पर वन को वन प्लस वन के फॉर्म में लिख दिए, तो इसे अब ब्रैकेट हटाइएगा तो यही आएगा। अब यहाँ पे है इतना का प्लस इतना बराबर हमारा जीरो आ रहा है। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये तीनों का सम जीरो कब होगा, अगर ये इसका भी वैल्यू जीरो होगा, ये भी वैल्यू जीरो होगा, ये भी वैल्यू जीरो होगा, तभी ये टोटल सम जीरो होगा। उसी तरह से अल्फ़ा माइनस टू अल्फा प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, तो अल्फ़ा कॉमन ले लेंगे। तो अल्फ़ा माइनस वन कॉमन होगा, तो वन माइनस अल्फ़ा बराबर जीरो। तो यहाँ अल्फ़ा बराबर क्या आ जाएगा हमारा, वन। उसी तरह यहाँ बीटा बराबर भी आ जाएगा वन, और यहाँ गामा बराबर भी वन आ जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हमको फाइंड करना है, वन बाई अल्फ़ा प्लस वन बाई बीटा प्लस वन बाई गामा। तो ये हो जाएगा वन प्लस वन इक्वल्स टू थ्री। ये हो गया हमारा आंसर। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर सेटिस्फाइंग ए बी इक्वल्स टू ए एंड बी ए इक्वल्स टू बी, देन प्रूव दैट ए टू द पावर 2015 प्लस बी टू द पावर 2015 का होल पावर 2016 इक्वल्स टू 2 टू द पावर 2015 इंटू ए प्लस बी। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। तो यहाँ पे दिया हुआ ए बी इक्वल्स टू ए, तो हम इसमें दोनों साइड ऐसे मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, ए स्क्वायर बी ए इक्वल्स टू बी दिया हुआ है वहाँ, तो ये क्या हो जाएगा ए बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर, और ए बी बराबर यहाँ भी ए दिया हुआ है, तो ए इक्वल्स टू ए स्क्वायर हो गया, और ए बी बराबर भी ए स्क्वायर था। तो अब हम यहाँ से देखते हैं, इसमें फिर से हम ए से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा ए क्यू, और बी ए बराबर बी है, तो ये हो जाएगा बी ए क्यू। उसी तरह ए बी बराबर ए है, तो ए इक्वल्स टू ए क्यू। तो इसी तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे, तो हमारा ए इक्वल्स टू ए टू द पावर एन भी आएगा, क्योंकि इस कर रहे हैं। उसी तरह यहाँ पे है बी ए इक्वल्स टू बी, तो ए पहले इसमें हम बी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, और ए बी बराबर ए दिया हुआ है, तो बी ए बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर, और फिर बी ए बराबर बी है, तो बी इक्वल टू बी स्क्वायर। तो उसी तरह इसको भी करेंगे, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर टू बी टू द पावर एन। तो अब हमें प्रूफ क्या करना है, ए टू द पावर 2015 प्लस बी टू द पावर 2015 का होल पावर 2016 इक्वल्स टू उतना। तो हम LHS ले लेते हैं। तो ए टू द पावर 2015 का वैल्यू यही हो जाएगा, उसी तरह बी के पावर 2015 है, तो उसका बी हो जाएगा का होल के पावर 2016। तो अब हम यहाँ पे देख करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए। अब हम इसमें से इसको हम a प्लस बी प्लस ए प्लस बी
के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर को ए लिख सकते हैं, बी स्क्वायर को बी लिख सकते हैं, ए बी को ए लिख सकते हैं, बी ओ को बी, बी ए को बी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, तो ये हमारा क्या हो गया, 2a प्लस बी। उसी तरह हम ए बी का होल क्यूब देखेंगे करेंगे, तो इसको ए प्लस बी का, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आया था, इसे फिर से हम अगर ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, उस तरह करेंगे तो ये हमारा टू ए स्क्वायर इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। इसी तरह आगे बढ़ते जाएगा, तो यहाँ पर ए प्लस बी का स्क्वायर था तो यहाँ टू टू दी पावर वन आया, उसी तरह ए प्लस बी का क्यूब आया तो टू का स्क्वायर आया। तो उसी तरह अगर यहाँ पर हमारा ए प्लस बी का टू दी पावर 2016 रहेगा तो क्या आएगा, टू टू दी पावर ए किससे कम, 2015 इंटू ए प्लस बी, जो हमारा आर एच एस है। आज के मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट चैप्टर पार्ट फोर वीडियो में हम देखेंगे डिटर्मिनेंट एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ और फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पार्ट वन वीडियो में ही देखा था कि डिटर्मिनेंट एक वैल्यू है जिसका एलिमेंट अरेंजमेंट स्क्वायर के फॉर्म में होता है, मतलब डिटर्मिनेंट में रो और कॉलम की संख्या हमेशा बराबर रहेगी, और अगर रो और कॉलम की संख्या बराबर नहीं होगा तो उसका वैल्यू नहीं निकलेगा, या हम कह सकते हैं कि वह एक डिटर्मिनेंट फॉर्म में नहीं है। तो हम इसका एग्जांपल लेकर समझते हैं। तो मैट्रिसेस को हम किसी भी मैट्रिसेस ए है, जैसे किसी भी मैट्रिसेस ए को हम रिप्रेजेंट कैसे करते थे, इस तरह के ब्रैकेट के अंदर ए वन वन ए वन टू ए टू वन ए टू 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 इंटू टू के फॉर्म में। उसी तरह डिटर्मिनेंट को हम मोड के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे, और इसका एलिमेंट को भी मोड के अंदर लिखेंगे, ए वन वन ए वन टू ए टू वन ए टू टू। यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमेशा ये स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा, यहाँ टू इंटू टू है या फिर थ्री इंटू थ्री रहेगा या फोर इंटू फोर रहेगा, ऐसा रहेगा, ये नहीं कि इसमें थ्री इंटू टू हो जाएगा, वो डिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं है। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, तो इसमें ये दोनों डायगोनली मल्टीप्लाई होगा और फिर दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो इसका होगा ए वन वन इंटू ए टू टू माइनस ए वन टू इंटू ए टू वन। तो इसका वैल्यू ये आएगा, और ये हमेशा मोड के अंदर रहता है। उसी तरह अगर हम थ्री इंटू थ्री का लेते हैं, तो जैसे कोई डिटर्मिनेंट बी है और हम अंदर कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे एक्स वाई जेड ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव ए सिक्स, तो इसका क्या होगा, इसे इसको एक्सपेंड करेंगे। तो एक चीज़ इसमें ध्यान रखना है कि डिटर्मिनेंट के अंदर सारा वैल्यू साइन के साथ होता है, जैसे ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, फिर पॉजिटिव होता है, फिर सेकंड रो में ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, फिर थर्ड रो में ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसी तरह बढ़ते जाता है। अगर चार फोर इंटू फोर का रहता है तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसको जब हम बाहर निकालेंगे तो साइन के साथ ही बाहर निकालेंगे, तो क्या आएगा इसका, सबसे पहले एक्स इंटू, अगर इसको ले रहे हैं तो इसके सामने का दोनों साइड को छोड़ के बाकी जो बचेगा फिर उसको करेंगे, तो इसका एक्स इंटू क्या होगा, ए टू इंटू ए सिक्स माइनस ए थ्री इंटू ए फाइव। अब वाई को लेंगे तो वाई क्या है, निगेटिव में रहता है, तो वाई इंटू, अब इसके सामने वाई के सामने का सबको ढक देंगे और उसके बाद जो बचेगा उसको लिखेंगे, तो ए वन इंटू ए सिक्स माइनस ए थ्री इंटू ए फोर। अब फिर प्लस जेड, जेड को भी जेड के सामने का दोनों को ढक देंगे और उसके बाद आगे का इम्प्लीमेंट करेंगे, तो क्या होगा, ए वन इंटू ए फाइव माइनस ए टू इंटू ए फोर।
तो ये हो गया हमारा इसका वैल्यू, इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर यहाँ पर कुछ वेरिएबल दिया रहेगा और फिर तो उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़। तो दो मैट्रिसेस दिया हुआ है ए, और उसका ट्रांसपोज क्या होगा, ए ट्रांसपोज, दोनों का डिटर्मिनेंट वैल्यू सेम होगा, ये पहला प्रॉपर्टी हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी है इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ रोज और कॉलम इज ज़ीरो देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज ज़ीरो। मतलब कि जैसे कोई डिटर्मिनेंट ए है और उसका कोई एक भी रो या कॉलम ज़ीरो है और बाकी एलिमेंट कुछ भी रहे तो इसका वैल्यू हमेशा ज़ीरो आएगा, या फिर यहाँ पर रो में भी पूरा ज़ीरो रहता तब भी उसका वैल्यू ज़ीरो आता, या फिर कोई कॉलम एक पूरा कॉलम ही ज़ीरो है तो पूरा ज़ीरो आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इफ़ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर सेम देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज ज़ीरो। मतलब कि कोई डिटर्मिनेंट ए है तो इसका अगर कोई दो रो या कॉलम जैसे 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 9, 7 ये दोनों रो इसका सेम है तो इसका भी हमेशा वैल्यू ज़ीरो होगा, या फिर दो कॉलम भी सेम रहता तो उसका भी वैल्यू हमेशा ज़ीरो ही होता। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इफ़ वी इंटरचेंज एनी टू रो और कॉलम देन डिटर्मिनेंट विल बी चेंज इट्स साइन। जैसे इस एग्जांपल से देखते हैं कि ये दो रो है, अगर हम इसको एक्सचेंज करेंगे, इस रो को यहाँ लिखेंगे इस रो को यहाँ, तो ये आगे पहले माइनस साइन के साथ चेंज होगा, ये चीज़ ध्यान रखना है। या फिर कॉलम को भी एक्सचेंज करेंगे तो वो माइनस के साथ होगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी है इफ़ वी मल्टीप्लाई विथ एनी स्केलर टू डिटर्मिनेंट देन इट विल बी मल्टीप्लाई बाई एनी रो और कॉलम। जैसे कोई डिटर्मिनेंट ए है तो इसे हम किसी स्केलर के से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसके किसी एक रो या कॉलम से ये के मल्टीप्लाई होगा, जैसे के ए वन, के ए टू, के ए थ्री, फिर यहाँ ए फोर, ए फाइव, ए सिक्स, ए सेवन, ए एट, ए नाइन। ये सिर्फ या तो एक ये रो से मल्टीप्लाई होगा, या फिर जैसे इसे हम इस तरह भी कर सकते हैं के ए वन, के ए फोर, के ए सेवन और बाकी सबको सेम लिख देंगे, ए थ्री, ए फाइव, ए सिक्स, ए एट, ए नाइन। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ प्रॉपर्टी। यहाँ भी हम सेकेंड रो या कॉलम्स में भी कर सकते थे, कोई भी करेंगे वो सेम ही आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा वाइल एडिंग टू डिटर्मिनेंट अबाउट एनी रो और कॉलम द रिमेनिंग रो और कॉलम विल बी सेम। मतलब कि जैसे कोई दो डिटर्मिनेंट है ए बी सी डी प्लस उसको ऐड करते हैं हम किसी और डिटर्मिनेंट से ए ई सी डी, तो हम इसे अगर ऐड करते हैं तो जो बाकी बचा रो या कॉलम होगा वो सेम होगा। जैसे इसका हम देखते हैं, हम इसे रो के अकॉर्डिंग ऐड करते हैं तो ए प्लस ई और यहाँ पर बी प्लस ई और बाकी बचा यहाँ सी और डी, या फिर इसको हम इस तरह भी ऐड कर सकते थे ए और सी को यहाँ पर फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे और बचा कॉलम में यहाँ क्या था बी प्लस ई या और डी प्लस डी। तो ये होगा हमारा छठा प्रॉपर्टी। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं इफ़ एनी रो और कॉलम मल्टीप्लाई विथ अ स्केलर इज एडेड टू अनदर रो द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी सेम वाइल डूइंग दिस ऑपरेशन एटलीस्ट वन रो कॉलम शुड रिमेन अनचेंज्ड। मतलब कि जैसे कोई डिटर्मिनेंट ए बी सी डी, अगर हम रो वन को लेते हैं तो रो वन को हम फिर से लिखते हैं रो वन प्लस अल्फ़ा रो टू, तो ये हो गया हमारा रो वन को हम इस तरह से सॉल्व करके लिखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा ए प्लस अल्फ़ा सी और यहाँ बी प्लस अल्फ़ा डी और यहाँ सी डी जो है जाएगा। तो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं ए बी सी डी प्लस अल्फ़ा सी अल्फ़ा डी और सी डी। तो ये हो गया हमारा डिटर्मिनेंट्स का प्रॉपर्टीज़।
अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स। इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिटरमिनेंट्स वी यूज़ रो इनटू रो और कॉलम इनटू कॉलम और रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन। जैसे रो इनटू कॉलम मैट्रिसेस वैसे ही होगा जैसे मैट्रिसेस में होता था। मतलब मैट्रिसेस में क्या करते थे, पहले एक रो को पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई करते थे, फिर दूसरे रो को कॉलम से। तो सेम वही है मैट्रिसेस की तरह, यहाँ लिख देते हैं। और अब है, अब देखते हैं जैसे कॉलम इनटू कॉलम डिटरमिनेंट। तो इसमें क्या है, जैसे कोई दो डिटरमिनेंट है a1 a2 a3 a4 और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं b1 b2 b3 b4 से। तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले एक कॉलम को इसके दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर दूसरे कॉलम को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और उसे लिखेंगे। तो जिस इसका क्या होगा a1 b1 प्लस a3 b3, फिर सेकंड एलिमेंट क्या हो जाएगा a1 b2 प्लस a3 b4। उसी तरह थर्ड एलिमेंट हो जाएगा क्या, अब हम इसका सेकंड कॉलम को करेंगे तो a2 b1 प्लस a4 b3 और फोर्थ एलिमेंट a2 b2 प्लस a4 b4। उसी तरह अगर रो इनटू रो रहता तो पहले हम इस रो को इस दोनों रो से करते हैं, फिर इस रो को दोनों रो से करते हैं और तब होता। तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिटरमिनेंट्स। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा और बाकी का कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन वन करा है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। मतलब एक 3×3 का डिटरमिनेंट है जिसका एलिमेंट है a1 a a² 1 b b² 1 c c² तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसका रो वन को हम फिर से इसमें लिखेंगे रो वन माइनस रो टू और रो टू को रो टू माइनस रो थ्री। तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम रो वन से रो टू को घटाते हैं तो 1 - 1 0 हो जाएगा, फिर a - b a² - b² फिर उसी तरह रो टू में रो टू को रो टू तीस रो थ्री से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 b - c और यहाँ b² - c² और जो लास्ट का रो है वो तो सेम लिखा जाएगा 1 c c² तो ये हो गया। अब हम इसको बाहर ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो पहला क्या हो जाएगा 0 × b - c × c² - c × b² - c² - a - b × इसको कवर करेंगे तो ये तो c² 0 हो जाएगा और ये हो गया -b² - c², तो माइनस माइनस को हम यहाँ प्लस कर देते हैं और यहाँ पर बस वही लिख देते हैं b² - c² प्लस a² - b² × इसमें ये भी 0 हो जाएगा और ये -b - c हो जाएगा तो इसको हम यहाँ -b - c। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो 0 हो गया हमारा पहला टर्म और दूसरा टर्म क्या आया a - b b² - c² यहाँ माइनस बाहर आ जाएगा तो -a² - b² × b - c। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये पहले इसको हम b² - c² का फार्मूला पे एक्सपेंड कर देते हैं तो a - b × b + c × b - c -a - b × a + b × b - c। तो अब इसमें से जो जो कॉमन है उसको हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारा a - b × b - c कॉमन आ रहा है और बाकी जो बचा उसे लिख देते हैं b + c, यहाँ माइनस ए
माइनस बी हो जाएगा, तो ये बी और बी कैंसिल हो गया हमारा, तो हमारा फाइनल आंसर ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी बी सी ए सी ए बी, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। तो इसमें भी पहले हम इसका क्या करेंगे कि पहले सी वन को हम सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री सी थ्री सी थ्री कर देंगे, तो इसका क्या आ जाएगा अगर हम कॉलम वन में सबको ऐड करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ बी सी, यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी सी ए, ए प्लस बी प्लस सी ए बी। डिटर्मिनेंट का एक खासियत है कि इसके आप अंदर मतलब डिटर्मिनेंट के अंदर किसी भी रो को किसी भी कॉलम से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या उसमें ऐड कर सकते हैं, या फिर किसी भी रो में किसी पूरे रो या कॉलम में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं उसको सॉल्व करने के लिए या सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए। तो अब इसमें जैसे ये आ गया तो इसका हम ए प्लस बी प्लस सी को कॉमन निकाल लेते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, वन बी सी वन सी ए वन ए बी। अब इसे आप सॉल्व कर सकते हैं फिर, या फिर ये भी कर सकते हैं जैसे हम करेंगे R1 को, R1 इक्वल्स टू R1 माइनस R2, और फिर R2 इक्वल्स टू R2 माइनस R3 जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किए थे। अब उसे फिर से हम लिखेंगे तो A प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर 0 B माइनस सी सी माइनस A, फिर यहाँ 0 C माइनस A A माइनस B, और थर्ड रो सेम रहेगा A B। अब इसे हम आगे सॉल्व करते हैं तो a प्लस बी प्लस सी, तो ये तो हमारा कॉमन है, और ये क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म तो जीरो हो जाएगा तो हम उसे नहीं लिखते हैं, फिर सेकंड टर्म में क्या आ जाएगा माइनस बी माइनस सी इंटू इसे कवर करेंगे तो ये माइनस a माइनस बी होगा, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस कर देते हैं a माइनस बी, उसी तरह प्लस c माइनस a इंटू क्या होगा माइनस C माइनस ए, ये हो गया। अब इसे हम सॉल्व करते हैं A प्लस बी प्लस सी, ये तो बस अब एक नॉर्मल सॉल्व वो क्या कहते हैं एक सिंप्लीफिकेशन आ गया, तो इसे तो आप आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसे सॉल्व करने के बाद हमारा क्या आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा आंसर। इसी तरह का बहुत सारा क्वेश्चन है, आप इस प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका क्लियर होगा। आज के मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट चैप्टर पार्ट फाइव वीडियो में हम देखेंगे सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, फिर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, और लास्ट में इनवर्स ऑफ अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिसेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सिंगुलर मैट्रिक्स देखते हैं। तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर इफ़ डेट ए इज इक्वल टू जीरो, मतलब कि अगर कोई भी मैट्रिसेज का डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो होगा तो वो एक सिंगुलर मैट्रिसेज है। उसी तरह नॉन सिंगुलर मैट्रिसेज क्या है, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर इफ डेट ए नॉट इक्वल्स टू जीरो, अगर किसी मैट्रिसेज का डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो के अलावा कुछ भी आ रहा है मतलब जीरो के बराबर नहीं है तो वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो इसका प्रॉपर्टीज़ क्या है, पहला प्रॉपर्टीज़ है कि मोड के ए इक्वल्स टू के टू द पावर एन मोड ए, मतलब कि कोई के स्केलर को हम किसी भी डिटर्मिनेंट ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर हम उस के को बाहर निकालते हैं कॉमन लेते हैं तो वो पावर के साथ आता है। तो ये एन क्या है हमारा, एन है इसका बेस, अगर वो मैट्रिसेस थ्री इंटू थ्री के फॉर्म में है तो यहाँ पर एन का वैल्यू थ्री हो जाएगा, अगर वैसे टू या टू इंटू टू के फॉर्म में रहता तो एन का वैल्यू टू हो जाता। हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज जीरो, जैसे डिटर्मिनेंट ए इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज होता है ये तो आपको पता है, उसी तरह ए माइनस ए ये तो सेम ही होगा क्योंकि मोड के अंदर है तो प्लस माइनस सेम होगा, अगर हम इसे माइनस को मोड के बाहर निकालते हैं तो क्या होगा हमारा, वो माइनस वन टू द पावर एन
ए, ये होगा अगर इफ इन ऑड नंबर है तो ये क्या हो जाएगा मोड ए इक्वल्स टू माइनस ए, अगर ये ऑड नंबर रहेगा तो ये तो माइनस ही रह जाएगा, तो फिर इसको हम इस साइड लाते हैं तो क्या हो जाएगा ए मोड ए प्लस मोड ए इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ टू मोड ए इक्वल्स टू जीरो तो मोड ए इक्वल टू जीरो हो गया। तो यही था हमारा ये प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी है इफ मोड ए बी, तो हम ए बी को इस तरह भी लिख सकते हैं मोड ए इंटू मोड बी, या फिर मोड ए इंटू बी ट्रांसपोज, या फिर ए ट्रांसपोज, क्योंकि ए ट्रांसपोज और ए दोनों इक्वल ही होता है, या फिर इस तरह भी हम ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज को भी लिख सकते हैं। अब है हमारा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस होता है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज ट्रांसपोज ऑफ को फैक्टर ऑफ मैट्रिसेस ए, मतलब कि किसी भी मैट्रिसेस का एडजॉइंट मैट्रिक्स होता है ट्रांसपोज ऑफ को फैक्टर ऑफ मैट्रिसेस। तो सबसे पहले यहाँ हमें जानना है कि को फैक्टर क्या होता है। तो जैसे कोई मैट्रिसेस हमारा ए है, जैसे मान लीजिए 2, 3, 5, 7, 1, 2, 3, 1, 3 कोई हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो इसका को फैक्टर क्या होगा। हम को फैक्टर को इस तरह ए सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो को फैक्टर निकालने के लिए हमें जैसे फर्स्ट एलिमेंट का निकालना है तो हम ये कुछ डिटर्मिनेंट के तरह ही होता है। जैसे हम फर्स्ट एलिमेंट निकालना है तो ये टू के जो सामने दोनों है उसको ढक देंगे और बाकी ये जो चार एलिमेंट बचा उसको डिटर्मिनेंट की तरह सॉल्व करेंगे। तो क्या होगा 3 × 1 − 2 × 1, तो क्या होगा 3 − 2 = 1 हो गया, और ये पॉजिटिव में रहता है तो यहाँ पॉजिटिव साइन रहेगा। उसी तरह 3 सेकेंड एलिमेंट का लेंगे तो 3 के सामने जो है उसको ढक देंगे और बाकी को सॉल्व करेंगे, तो 7 × 3 − 3 × 2 तो 27 − 6 = 15 आ जाएगा, लेकिन ये तो सेकेंड एलिमेंट इसका माइनस में रहता है तो −15 हो जाएगा। उसी तरह थर्ड एलिमेंट के लिए 5 के सामने वाले को ढक देंगे और सॉल्व करेंगे तो 7 − 3 तो 4 हो गया, जो कि हमारा फर्स्ट रो। अब सेकेंड रो में देखना है तो ये 7 के सामने जो है उसको हम ढक देंगे और सॉल्व करेंगे तो 3 × 3 − 5 तो 9 में से 5 गया तो 4 होगा, और ये सेकेंड रो में फर्स्ट एलिमेंट निगेटिव में रहता है तो क्या हो जाएगा 9 − 5 = 4 तो −4। उसी तरह सेकेंड इसका सेकेंड एलिमेंट के लिए 1 के सामने के दोनों को कवर कर देंगे तो क्या आएगा 3 × 2 − 5 × 3 तो 6 में से 15 गया तो क्या आएगा −9 आएगा तो −9 हो जाएगा, और ये तो पॉजिटिव में रहता है तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव रहेगा। फिर उसी तरह सिक्स एलिमेंट के लिए 2 के सामने वाले को दोनों को ढक देंगे और सॉल्व करेंगे तो 2 − 9 तो क्या हो जाएगा −7, और ये माइनस में रहता है तो −−+ तो यह हो गया हमारा +7। उसी तरह इसका करेंगे तो उसका भी वही आएगा, तो इसका हम लिख देते हैं 131 और −19 आएगा। 19 कैसे, ये 3 के सामने का कवर करेंगे तो 2 − 21 तो कितना होगा −19। तो ये हो गया हमारा कोफैक्टर। अब इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होगा, तो एडजॉइंट क्या है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ ए, तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 1 − 4 = 1 −15 − 9 = 31 और यहाँ 4 − 7 − 19 तो ये हो गया हमारा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। अब हम इसका प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो पहला प्रॉपर्टीज़ है ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल्स टू मोड ए इंटू आई एन, मतलब आई एन वो हो गया जिसका सिर्फ डायगोनल 1 होता है बाकी सारा एलिमेंट 0 होता है। फिर प्रॉपर्टीज़ 2 है एडजॉइंट के ए, के कोई स्केलर है तो इसे हम अगर के को बाहर निकालते हैं तो के टू द पावर n − 1 हो जाएगा। n क्या है हमारा जो उस मैट्रिसेस का बेस है, मतलब 3 × 3 है तो n 3 हो जाएगा, 2 × 2 है तो n 2 हो जाएगा। उसी तरह इसका थर्ड प्रॉपर्टी क्या है एडजॉइंट ए मोड के अंदर है, तो अगर हम इसको एडजॉइंट हटाएंगे तो ये आ जाएगा a टू द पावर n − 1 और n तो आपको पता है क्या है उसका बेस। उसी तरह हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है इफ़ ए इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स देन एडजॉइंट ए इज़ आल्सो सिंगुलर, मतलब अगर ए सिंगुलर है तो एडजॉइंट ए भी सिंगुलर होगा।
उसी तरह फिफ्थ प्रॉपर्टी है एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज अगर टोटल का ट्रांसपोज है तो इसका एडजॉइंट ए ट्रांसपोज भी सेम होगा। सिक्स प्रॉपर्टी है हमारा इफ़ ए इज़ द सिमेट्रिक देन एडजॉइंट ए इज़ ऑल्सो सिमेट्रिक, उसी तरह जैसा सिंगुलर में था। और लास्ट प्रॉपर्टी हमारा एडजॉइंट ए इक्वल्स टू होगा एडजॉइंट बी इनटू एडजॉइंट ए, जैसे वो मैट्रिसेस में था कि ए बी का ट्रांसपोज था तो बी के ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज, उसी तरह यहाँ भी एडजॉइंट में भी वही होगा। नेक्स्ट है हमारा इन्वर्स ऑफ ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिसेस, तो नॉन सिंगुलर स्क्वायर इन्वर्स क्या होगा, ए इन्वर्स कोई मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डेक्ट ए वेयर डेक्ट ए नॉट इक्वल्स टू जीरो, ये तो नॉन सिंगुलर है तो फिक्स है कि डेक्ट ए नॉट इक्वल टू जीरो ही होगा। और इसका प्रॉपर्टीज़ क्या है, प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। पहला प्रॉपर्टीज़ है ए इन्वर्स का होल इन्वर्स वो ए के बराबर होगा, ये तो कॉमन सी बात है। उसी तरह ए इन्वर्स का ट्रांसपोज क्या होगा, ए का ट्रांसपोज का इन्वर्स, मतलब ये दोनों का वैल्यू सेम ही आएगा। उसी तरह इफ़ ए इज अ सिमेट्रिक देन ए इन्वर्स आल्सो सिमेट्रिक। और फिर चौथा है अगर मोड के अंदर ए इन्वर्स है तो वो इसका होगा वन बाई मोड ए, तो इसका कैसे होगा हम बता देते हैं। जैसे हम ए इन्वर्स को क्या लिख सकते हैं, मोड के अंदर एडजॉइंट ए अपॉन डेक्ट ए। अब यहाँ पर एडजॉइंट ए जो मोड के अंदर था, हम पीछे एक प्रॉपर्टी देखे तो वो क्या था, मोड ए टू द पावर एन माइनस वन अपॉन यहाँ पर ए टू द पावर एन। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, यही आएगा। उसी तरह पांचवा प्रॉपर्टी है इफ़ मोड के अंदर ए इन्वर्स है इज़ ऑलवेज नॉन सिंगुलर, मतलब ए इन्वर्स मोड के अंदर है तो वो हमेशा नॉन सिंगुलर होगा। फिर छठा प्रॉपर्टी है हमारा के ए कोई स्केलर के है और उसे हम मैट्रिसेस ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसका होल इन्वर्स है तो वो आएगा हमारा वन बाई के ए इन्वर्स। तो इसका कैसे होगा ये भी बता देते हैं, सिंपल है। ए इन्वर्स क्या होगा, एडजॉइंट के ए अपॉन के ए। तो हम अगर यहाँ पर k है तो इसको हम बाहर लेंगे तो क्या आ जाएगा, k टू द पावर n माइनस वन एडजॉइंट a, और इसमें से k निकालेंगे तो k टू द पावर n अपॉन मोड a, तो ये हो गया हमारा a इन्वर्स। और इसको सॉल्व करेंगे तो वन बाई के ए इन्वर्स हो गया। और हमारा लास्ट प्रॉपर्टी है ए बी का होल इन्वर्स, तो उसी तरह b इन्वर्स इंटू a इन्वर्स, ये तो हर जगह उसी तरह का हो रहा है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है इफ़ ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम को फैक्टर निकालेंगे, तो ए सी क्या हो जाएगा हमारा को फैक्टर इसका, तो को फैक्टर भी निकालना बताए थे क्या होता है, पहला का फर्स्ट एलिमेंट निकालना है तो इसके सामने का कवर कर लेंगे और सॉल्व करेंगे तो वन माइनस टू, तो ये तो वन हो जाएगा क्योंकि टू इंटू जीरो हो जाएगा। उसी तरह हम इसका जल्दी जल्दी निकाल देते हैं, आप आराम से प्रोसेस से करके निकाल लीजिएगा। तो 1 माइनस 2 माइनस 1 फिर 5 सेकेंड इसका 520 होगा हाँ, फिर इसका 15 और फिर ये माइनस 4 8 और माइनस 6, ये आ गया हमारा कोफैक्टर। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, 1 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 120 माइनस 15 अठे 120 माइनस माइनस 2 इंटू करेंगे तो माइनस 30 प्लस 60 माइनस 1 इंटू 40 माइनस 80 ये आएगा। तो अब इससे ये तो कैंसिल हो गया और ये प्लस और प्लस हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा 30 इंटू 2 60 माइनस प्लस ये 40, तो ये हो गया हमारा 100 आंसर। उसी नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एडजॉइंट ए एंड ए इन्वर्स इफ़ ए दिया हुआ, तो इसमें भी सबसे पहले तो हमें को फैक्टर निकालना पड़ेगा, तो को फैक्टर तो हम जल्दी जल्दी निकाल देते हैं। तो इसका आएगा 6 माइनस 1 माइनस 3 फिर 3
-6 4 और -13 4 और 1। और फिर तो अब हम और इसका डेक्ट ए क्या होगा, तो डेक्ट ए होगा हमारा 2 से सॉल्व कर, डेक्ट ए 2 इंटू 9 -3 तो 6 हो जाएगा, -5 इंटू 3 -2 तो 1 प्लस 6, 3 -6 तो -3, तो सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 12 -5 -18 तो -11। और इसका एडजॉइंट ए क्या होगा, एडजॉइंट ए हो जाएगा कोफैक्टर का ट्रांसपोज, तो वो हो जाएगा क्या 6 3 -13 -1 -6 4 -3 4 1। तो और ए इन्वर्स क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डेक्ट ए, तो इसको आप लिख दीजिएगा इतना अपॉन -11। नेक्स्ट है हमारा इफ़ ए इज़ इक्वल टू, इतना दिया हुआ है तो फाइंड, कुछ इतना सारा क्वेश्चन है, आप ये सारा प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपका ये जितना भी इधर प्रॉपर्टीज़ इस वीडियो में बताए हैं वो सारा प्रॉपर्टीज़ का आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। अगर आपको इस किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए मेल पे आप मेल भी कर सकते हैं, आपको हम हेल्प कर देंगे।